इंदौर नगर निगम का यशवंत सागर बांध अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। यशवंत सागर बांध सकड़ा होने के कारण हर बार जाम की स्थिति बन जाती है। यहां पर जगह जगह पर गड्ढे और अतिक्रमणकारियों का जमावड़ा बन चुका है। इसके कारण लोगों को वाहनों से आवागमन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस रास्ते से सैकड़ों जनप्रतिनिधि व देपालपुर तहसील मुख्यालय के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी जाते हैं। कई बार देपालपुर क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्र मंत्री, सांसद, विधायक दौरा कर चुके हैं। इन्हें भी यहाँ की मूल समस्याओं के बारे में पता होने के बाद भी यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं करवा पा रहे हैं। वहीं इंदौर नगर निगम महापौर मालिनी गौड़ और निगम कमिश्नर आशीष सिंह भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि इंदौर शहर के पश्चिमी क्षेत्र में पीने का पानी यशवंत सागर बांध से ही आपूर्ति किया जाता है। वहीं जब क्षेत्रीय सांसद शंकर लालवानी से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि इस संबंध में जल्द ही अधिकारी के साथ मीटिंग लेकर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। देपालपुर से विशाल चांदला की रिपोर्ट। देपालपुर जाता है और ये बात सही है कि उसका ट्रैफिक वहाँ बढ़ा है, व्हीकल के रूप में क्या हो सकता है वो हम चिंता कर रहे हैं ताकि आ जाता है सुगम बना रहे। और बारिश के दिनों में कभी कभी रोडों पे गड्ढे भी हो जाते हैं, ये भी शिकायत आई है। तो हम नगर निगम से कहके और जो संबंधित विभाग है उनसे कहके इस बात को रिपेयर कराने के लिए कहेंगे ताकि आम लोगों को परेशानी नहीं हो। इसके लिए जहां तक बात है वो विकल्प पे चल रही चर्चा, क्योंकि एक तरफ बांध है और उसी पे ये सड़क बनी हुई है, क्या हो सकता है टेक्निकली हम करेंगे ताकि आने वाले दिनों में इस पर ट्रैफिक और बढ़ेगा। निश्चित तौर पर होना चाहिए पर किस विकल्पों पर होना चाहिए ये बात करके शीघ्र निर्णय लेंगे। तो देख के तो वो पर्यटक स्थल सही सही और बारिश के दिनों में तो वहाँ बहुत सारे लोग आते ही हैं। मुझे लगता है कि उसमें और सुविधा अगर जोड़ दी जाए तो मुझे लगता है और ज़्यादा पर्यटन वहाँ आएंगे। और क्या क्या हो सकता है इसकी योजना बना रहे हैं और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयास करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।